फार्मूला दी जिहड़ियां बड़ियां पुरानियां साडे नाल ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਟੈਕਟਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਪੀਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਐਕਸਪੋ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਮਿਲਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 385 ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। नुमाइश जी बिल्कुल है। सानू टडैब ने एक फॉरम दिता है जिदे ते असीं अपने ट्रैक्टर वगैरह डिस्प्ले किए ने, जिहड़े कि दूसरे ममालिक तो जिहड़े डेलीगेशन आए ने उन्हां दी असीं रहनुमाई वास्ते उन्हां नूं गाइड करन वास्ते कि मिलर दे विच कड़ी कड़ी चीज़ां साडियां अवेलेबल ने और असीं उन्हां नूं क्वालिटी वाले जिहड़े चीज़ां ने ना वो असीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा ठीक, जिहड़ी कि दुनिया दे विच बहुत सस्ती। टडैब दा जिहड़ा फॉरम है ना बनाया ही उन्होंने जिहड़े बाहर दे अफ्रीका दे जिहड़े लोग ने ना ज़्यादा वो पाकिस्तान दे विच आ रहे ने, पाकिस्तान दी बनी मसनूआत जिन्हां दे विच ट्रैक्टर ने, ज़रीअलात ने, मुख्तलिफ चीज़ां ने, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ने, वह सारे देख रहे हैं तो वह उतों परचेज करके पाकिस्तान जरिए मुबादला भी ये आ रहा है। अच्छा ठीक हो गया। यह तो पिछले नक्शा अं देख रहे हैं जी, अजय जो मालकान मिलर ट्रैक्टर जी इतों एक्सपोर्ट हो रहा है एशिया यूरोपी अफ्रीका के काफ़ी अच्छे समझे जाते हैं। सानू शुक्र अदा करना चाहिए साडे मुल्क दे विच कंपनी हैगी है तो जमींदारों अच्छे ट्रैक्टर मिलते पे ने तो मुनासिब कीमत मिलते पे ने। बाकी भाई मजीद असी हूँ आप कंपनी में दोबारा आ नहीं सकते, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਲਕਸ ਮਾਡਲ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਲਕਸ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਾਏ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਲਕਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ नेक्स्ट मंथ तो अं देने शुरू कर दें। अच्छा, जे जे जमींदार की मतलब ख्वाहिश ही यह चीज़ होनी चाहिए वो तुसा कर दी फिर? जी बिल्कुल कर दी है, बस बेसिकली ट्रैक्टर बनाने ही फार्मूला की जरूरत मद्देनजर रख के। वो 200 मॉडल आ रहा, 260 85 दो मॉडल या तीन मॉडल ने? वह ये साडा समय लो कि असी लॉन्च करा ना, फिर प्रॉपर सारे फिर एक बार दसा। मतलब फिर जमींदार उम्मीद रख भी आएंगे मॉडल? इंशाअल्लाह ताला अगले महीने के एंड के उ लॉन्च कर देंगे और प्रॉपर पूरे पाकिस्तान च लॉन्च करांगे ताकि पता चले, कल्ले कल्ले फार्म नूं पता चलेगा कि जी मिलन दे ट्रैक्टर लॉन्च कर दिते ने। हाँ जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी गल है। इस अलावा जी आप 235 लॉन्च किया, बकायदा तौर पर लॉन्च हो गया, 20,20,000 रुपया कीमत सी इहदी जी 235 दी। बेसिकली यह जो मॉडल है ना 235, मैं तुहानूं कोल दिखाना है जी। दोस्तों 235 है जी मिलर का सब तो छोटा मॉडल, ये बारे तुहानूं मालूमात दिंदे आ जी। बकायदा तौर तुहानूं पता जी जिवें लॉन्च हो गया सी, ए बेसिकली ट्रैक्टर सी स्पेसी जिहड़ा स्पेशल है ना बागात वास्ते बनाया है। जी जी जी, जिस तरह मुल्तान दे विच बाग ने या सरगोधे दे विच बाग ने। हाँ जी, क्योंकि उन्हां दी बड़ी बड़ी पुरानी डिमांड सी कि मिलत कोई ऐसा ट्रैक्टर बनावे जिहड़ा कि असीं बागां दे विच इस्तेमाल कर सकीए। हाँ जी हाँ जी, इहनां नूं मद्देनजर रखदे फिर असीं इह ट्रैक्टर बनाया सी। ठीक है, ये तो इंजन सिर्फ 240 वाला है मुकम्मल सारा? हाँ जी, इंजन 240 वाला, 50 हॉर्स पावर दा इहदा बनाउण दा मकसद सी कि नाल अपना दूसरा काम भी नाल करे, एक तो बागात नूं भी देखे ते दूजा जिहड़ा जिस तरह उन्हें छोटे काम 240 को लैंदा वह प्रॉपर 240 के बराबर का पावर का ट्रैक्टर है। अच्छा ठीक हो गया। इस अलावा इंजन लागे गया जी, ये ट्रैक्टर का इंजन है जी? यह भी 240 का इंजन है, 240 का दोस्तों इंजन है जी। इस अलावा 385 एक्स्ट्रा खड़ा, एक्स्ट्रा के सू दसो कि चीज़ एक्स्ट्रा लगी है? ये बेसिकली साडे एक्सपोर्ट मॉडल होंगे ने, साडे कस्टमाइज ट्रैक्टर होंगे ने। जी जी, असी डिफरेंट स्पेक्स नूं मद्देनजर रख के बनाने, कोई फ्रंट वेट मंगता है, कोई पिछे क्यू कपलर मंगता है ट्राली का, कुछ एक्स्ट्रा पंप होंगे ने वह मंगते हैं, फिर वो मुताबिक यह बनाई दिया जिस तरह की सानू ऑर्डर आंदा बाहरों, फिर उन्होंने मुताबिक यह ट्रैक्टर असी कस्टमाइज किस्म का बनाने ट्रैक्टर। अच्छा, ये पाकिस्तान दे विच भी अवेलेबल है अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा चीज़ लवाना चाहे मिलत कंपनी? जी जी बिल्कुल, असी एक्सपोर्ट मॉडल देने हैं, अगर कोई डिमांड करे तो फिर असी उन्हें दे देंगे। काफ़ी जिम्मेदार है इन्हों का शिकवा होंगे भी पता नहीं एक्सपोर्ट मॉडल के चीज़ पा देंगे ने जो मतलब सानू वो नहीं देंगे, ये सानू दसो एक्सपोर्ट मॉडल जिहड़ा या दूसरा पाकिस्तानी जिहड़ा लोकल तैयार होंदा उस कोई फर्क है या बिल्कुल सेम ही है? नहीं, तकरीबन इको ही साडा प्लांट है, तुसीं देखिया होना विजिट, प्लांट साडा सेम ही होंदा, सिर्फ उहदे विच पुरजे
जिहड़े एज पर जिहड़े पाकिस्तान दी दे विच जिहड़ियां चीज़ां इत्थे नहीं चलदियां बाहर दे मुल्कां दे एग्रीकल्चर का तरीकाकार मुख्तलिफ हैगा उत्थे ओह चीज़ां दी डिमांड हुंदी है असल चीज़ां सी ओहदे च शिफ्ट कर दईदियां ने लगा दईदियां ने। हाँ जी हाँ जी, इत्थे जिहड़ा रूटीन का ट्रैक्टर हुंदा ओह असीं रूटीन का लगाने अगर कोई मंगदा है तो फिर असीं ओहदे विच देनियां शुरू कर दित्ते ने असीं ट्रैक्टर। ठीक हो गया भाई, बाहर आप जो जा रहे एक्सट्रा मॉडल के नाल मिलर ट्रैक्टर नहीं लिखते सिर्फ मैसी फर्गुसन लिखा जाता है की भाई क्योंकि वो बाहर जाना होता है ना वो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है ना तो फिर असं मिलर ट्रैक्टर मजीद एक दो पार्ट्स इस पे सू बारे दस दौ जी जो पे ने जी बेसिकली पार्ट्स तुसी ले रहे मिलत इक्विपमेंट को ले रहे जी सारे जिहड़े बैलेंसर वगैरह ए साडी मिलत ट्रैक्टर दी ही सिस्टर कंपनी है। हां जी मिलत इक्विपमेंट दे नाम तो ए ओ पुरजे ने जिहड़े उन्होंने मैन्युफैक्चर कीते ने ए मिलत ट्रैक्टर तो अलावा दूजी कंपनियां भी ए ट्रैक्टर दिंदे ने बाहर मार्केट च भी दिंदे ने जे मार्केट च भी ए पार्ट्स जनमन अवेलेबल ने जिहड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां ने उन्होंने भी कुछ कंपोनेंट्स दिंदे ने। ठीक है भाई दोस्तों, स्पेशल हर किस्म दा पार्ट्स वगैरह जनमन ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਲਤ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਤ ਦੀ ਹੀ ਸਿਸਟਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਮਿਲਤ MIPL ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ UPS ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਤ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਦਮਾਤ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।